राघोगढ़ नगर पालिका अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 23 श्याम सिटी कॉलोनी कर्माखेड़ी रूठियाई में लाइट के खंभे न होने से जनता को परेशानियां हो रही है। नगरवासियों के द्वारा बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह को अवगत करा दिया गया है और हमारे जिले के कलेक्टर को भी आवेदन दिया गया है, फिर भी हमारी बिजली एवं सड़क की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि 700 मीटर दूर स्थित खंभे से वो लाइट खींच कर लाते हैं और खंभे पर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मीटर टांग रखे हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना घटित हो तो कौन जिम्मेदार रहेगा? जा रहे हैं यहाँ पे स्थाई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। एमपीबी में बोलते हैं तो बोलते हैं अवैध कॉलोनी है, कलेक्टर साहब को भी शिकायत दी गई है इसकी, लेकिन ये अस्थाई कनेक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये अवैध कॉलोनी घोषित कर दी गई है। कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया है कि इसका ना टैक्स जमा किया गया नगर पालिका में और ना इसका कोई डाइवर्शन है, तो इसमें कनेक्शन स्थायी रूप से दिए नहीं जाएंगे। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की जिसका भी मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।